ग्लोबल ह्युमन राईट ट्रस्टच्या वतीने 17 फेब्रुवारी रोजी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कर्तृत्ववान मान्यवरांचा उत्तम भारत पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात येणार असल्याची माहिती ट्रस्टचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष डॉ विनायक सरवदे यांनी दिली आहे. या विशेष पुरस्कार सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण MCN न्यूज TV चॅनलवरती होणार आहे. डॉक्टर HR रेमान जी सर आपल्यासाठी उपलब्ध झालेले आहेत. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी उद्याच्या कार्यक्रमाबद्दल आम्हाला विश्व मानवाधिकार संस्था यांच्या कार्याबद्दल देऊ शकतो. सभी को मेरा नमस्कार. जय भारत, जय महाराष्ट्र. जैसा कि डॉक्टर विनायक राव सरवदे जी ने कहा कि जी चार्ट इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2021 में जिसका आरंभ हुआ, जिसको लॉन्च किया गया. अब दो देश के अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे आप सब मीडियाज के रिपोर्टर्स और मीडिया के भाई सारे चीज़ों को जानते हैं कि हमारा इंडिया का हेल्थ सेक्टर, हमारा एजुकेशन सेक्टर, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोड्यूस, जो वेस्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उस पर किसी की नज़र नहीं है. तो GHRT का मेन उद्देश्य महाराष्ट्र चैप्टर याच्या वतीनं देण्यात येणारा उत्तम भारत पुरस्कार हा उद्या 17 फेब्रुवारी 2024 रोजी तापडिया नाट्यमंदिर निराला बाजार छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होत आहे. येथे आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रातील जवळपास 25 लोकांना, व्यक्तींना जे ज्यांचं त्या त्या क्षेत्रामध्ये अतुलनीय कार्य आहे त्यांना उत्तम भारत पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येणार आहे. यामध्ये कला, वाणिज्य, उद्योग, संगीत, समाजसेवा, क्रीडा, आरोग्य या विभागामध्ये वेगवेगळे चांगल्या उत्कृष्टपणे काम करणाऱ्या व्यक्तींना हा पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येणार आहे. सर, कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी कोण? प्रमुख पाहुणे म्हणून आपण छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार माननीय इम्तियाजी जलील साहेब, माजी आमदार MM शेख साहेब, भारत सरकारच्या टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंटचे ॲडवायझरी कमिटीचे सदस्य डॉक्टर संकेतजी खरपुडे सर, बेळे सर, हॉस्पिटलचे मनोज सर, पी सर यांच्या हस्ते आपण हा पुरस्कार ठेवला. आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो GHRT इंडिया का स्टेट प्रेसिडेंट को अनाउंसमेंट करना और उत्तम भारत पुरस्कार जो कल नथिया मंदिर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स से लोग आए हुए लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे. और सम्मानित करने का हमारा उद्देश्य ये है कि लोग जिनको आज तक किसी ने नहीं सराहा है, किसी ने भी उनको उनके काम को नहीं देखा है, हम उनको आज कल जो है वो नित्या मंदिर के अंदर उत्तम भारत पुरस्कार देंगे. और उत्तम भारत पुरस्कार जो है वो 2021 के अंदर लॉन्च किया गया, जो आज इसका चैप्टर सेकंड है. इससे पहले हमने जयपुर में ऑर्गेनाइज किया जिसमें दुनिया भर से 45 लोगों को हमें नॉमिनेट किया था जो अलग अलग फील्ड के अंदर अपना काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं, जिसमें एजुकेशन सेक्टर से लोग हैं, हेल्थ सेक्टर से लोग हैं, इन्वायरमेंट सेक्टर से लोग हैं और कई जो अलग अलग किस्म के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट की मैंने बात की, तो लोग इसमें जो काम कर रहे हैं उनको हम जो है वो कल उत्तम भारत पुरस्कार से नवाजेंगे.